हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी 2-3 इंचेस अपनी आप हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, आप पूरी बातें फॉलो करेंगे तो आप 1 वीक में 1-2 इंचेस इंक्रीज कर सकते हैं हाइट। जी करें, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। आपको कैसे करना है, क्या आपको मैं बताऊंगी एक्सरसाइज, आपको एंड तक मेरा वीडियो जरूर देखना है और इन बातों को फॉलो करना है। इसके लिए आपको कोई रेमेडी नहीं पीना, आपको कोई चीज अप्लाई नहीं करनी या कोई पिल्स नहीं खानी जिससे आपको आपकी बॉडी के लिए जो हार्मफुल भी होती है और आपको लगता भी है कि आप खा तो लेते हैं लेकिन उसका इफेक्ट उसका नहीं आता, बहुत कॉस्टली होती है, अफोर्ड भी नहीं कर पाते आप। तो इन सब चीजों में आपको कोई खर्च नहीं करना, आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है जो मैं आपको बताऊंगी, एक्यूप्रेशर। ऐसा पॉइंट बताऊंगी मैं आपको जिससे कि आप इजीली अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं और आप सुंदर दिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा इससे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है मैं आपको सब चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी हाइट एक लिमिट होती है। हमारी मेंटालिटी, हमने सुनी सुनाई बातों के हम देखते हैं कि 18 जो होती है, 18 साल जो उम्र होती है हमारी, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ पाती, पर ऐसा नहीं है। आप 20 साल के बाद जो मैंने अपनी खुद हाइट इंक्रीज करी है वो 2 इंचेस इंक्रीज करी है। जी आपको लग रहा होगी ऐसे मैं बोल रही हूँ, बट नहीं, आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। आज तक आप मुझ पर ट्रस्ट करते आए हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलता आया, जो आप मुझे अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं कि ईशा मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो प्लीज इस बार अपनी ईशा पे एक और बार ट्रस्ट करिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव होगा, आप खुद मुझसे शेयर करेंगे। मैंने अपनी जो सच में हाइट 20 साल के बाद बढ़ाई है, 2 इंचेस मैंने अपनी हाइट इंक्रीज करी है 20 इयर्स के बाद। तो मैं भी तभी जो चीज अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ या कोई चीज ऐसी होती है मैं खुद अपने ऊपर आजमाती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये इतनी इजी है कि इसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना, कहीं जाना नहीं है, बस जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, ऑफिस हो, घर हो, पार्क हो, टीवी देखते हुए, कहीं पर भी है, बस आप ये प्रेशर पॉइंट बताऊंगी जो आपको ये फॉलो करने हैं और आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जो आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो आप एक्यूप्रेशर तो ऐसी चीज है आप गूगल भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसके लिए आपको गूगल करने की जरूरत है। मैं आपको सब कुछ साइंटिफिकली और लॉजिकली उसका बताऊंगी कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे आपकी हाइट इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, क्या उसका लॉजिक है और क्या साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, कि आपको खुद महसूस होगा, आप खुद ट्रस्ट करेंगे कि जो मैंने बताया उससे आपकी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट आपको अपनी फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर होती है, थंब से प्रेशर देना है इसको, इस तरीके से, इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे, प्रेशर दे के रखना है, इतना प्रेशर फील हो। आप लास्ट वीडियो में कई लोगों ने उसे बोला कि हमने इतना प्रेशर दिया क्योंकि पेन हो रहा है, ऐसा भी नहीं देना कि आपको पेन हो, बट स्लाइटली इतना फील हो कि आपको पता लगे कि प्रेशर जा रहा है, इतना नहीं कि आपके स्वेलिंग हो जाए या कोई और पेन हो जाए। इस जगह पे आपको प्रेशर देना है नेल के नीचे, ये जो एरिया होता है यहाँ पे प्रेशर दे के रखना है 5 मिनट तक। इससे अब क्या होता है, अब आपको मैं बताती हूँ, सोचूंगी कि क्या बता रही है यार, ये फिंगर प्रेस करने से कभी हाइट बढ़ती है क्या, बट ऐसा होता है। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताती हूँ, रीजन क्या है इसके पीछे। इस पॉइंट को प्रेशर देने से हमारा डाइजेशन पावर अच्छा रहता है। डाइजेशन पावर जो है एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जिसका लाइफ में डाइजेशन पावर अच्छा है बिकॉज उसका कभी वेट नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ उसके अंदर की जितनी प्रॉब्लम्स होती है डाइजेशन पावर हमारा ठीक रहेगा तो हम फिट रहेंगे, हमारी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो मिलने वाला प्रोटीन है इसको आपको 5 मिनट तक दबा के रखना है, 5 मिनट मिनिमम दबाना ही है। एक्सीड आप कर सकते हैं 1 or 2 मिनट, 5 मिनट इनफ है, तो एक्सीड करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम प्रेशर कम टाइमिंग के लिए नहीं दबाना, 5 मिनट आपको मिनिमम करना ही करना है और ये डेली फॉलो करना है। दिन में कम से कम 3 बार आप करना करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन और साथ में अगर जैसे मालूम है एक खा दूं, लोग बोलते हैं हाइट के लिए बॉडी के लिए एक बहुत अच्छा होता है, तो एक से जो मुझे प्रोटीन मिलना है, अगर मेरा डाइजेशन पावर खराब है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, तो वो क्या होगा, उसका जो उससे जो प्रोटीन मिलने हैं वो मुझे प्रोटीन मिलेंगे नहीं और मेरे बॉडी में फैट पड़ने लग जाएगा। जब मुझे चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो अपनी जगह लेंगी ना बॉडी में, तो वो फैट का फैट की जगह बन जाएगी, फैट बढ़ जाएगा, मेरा फेस अजीब सा हो जाएगा, गर्दन अजीब सी हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, मेरी हाइट तो कभी भी नहीं बढ़ेगी। जब मुझे खाना डाइजेस्ट होगा तो उससे मिलने वाले प्रोटीन्स, विटामिन्स जो भी मुझे मिलने हैं वो मुझे मेरी बॉडी को मिलेंगे और तभी तो मेरी हाइट बढ़ेगी और मैं सुंदर दिखूंगी। तो इसका आपको समझ आया कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका, डाइजेशन पावर अच्छा होना मतलब आपकी हाइट बढ़ना और आपका फिट दिखना, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको ये जो होती है मैं आपको प्रेशर बताती हूँ, वो दोनों हैंड्स में करने हैं, लेफ्ट में अगर आपने कर लिया उसके बाद 5 मिनट ही आपको राइट में करने हैं, दोनों में आपको इक्वल करने हैं, कम से कम 15 डेज 1 मंथ तक फॉलो करिए तभी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कौन सा प्रेशर देना है आपकी मिडल फिंगर को. मिडल फिंगर को आपको ये वाला यहाँ इसको प्रेशर देना है इस पॉइंट पर इसी एरिया में नेल के आपके नीचे का जो स्किन होता है यहाँ पे जो आपको आपकी फिंगर है यहाँ पे प्रेशर देना है थंब से 5 मिनट तक देख के रखना है. इससे क्या होता है हमारा जो हार्मोनल जो इश्यू होता है वो ठीक हो जाता है. हमारे जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर वर्क करने लगते हैं. अगर हमारे हार्मोन्स आपने देखा है बहुत मार्केट में कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को डेवलप करते हैं. जैसे कहीं होते हैं कहीं के हार्मोनल टिश्यूज होते हैं डेवलप नहीं हो पाते जिससे लोग कहते हैं कि आप किसी केमिस्ट पे जाएंगे डाइटिशियन के पास जाएंगे तो काफी कॉस्टली होते हैं तो बहुत चार्ज लेते हैं वो सिर्फ चेक करने का. मेरे पास उतने पैसे नहीं तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती. मोस्टली लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे. उसके बाद भी क्या होता है हम 1 or 2 months तो पिल्स खाते हैं वो इतनी कॉस्टली होती है कि हम उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती. तो इसके लिए इससे इजी वे कुछ हो ही नहीं सकता. तो आप यहाँ प्रेशर दीजिए इससे आपके जो हार्मोनल है ना वो आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर वर्क करेंगे. उसके आपको पिल्स खाने की जरूरत नहीं. बस आप यहाँ प्रेशर दीजिए अगर आपके हार्मोन्स जो है प्रॉपर वर्क करेंगे जब तो आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी आपकी हाइट बढ़ जाएगी आप टॉल दिखने लगेंगे लंबे दिखेंगे आपकी बॉडी फिट रहेगी. ये बहुत इफेक्टिव है. अब आपको मैंने बताया इसका क्या यूज है. अब आपको मैं थर्ड फिंगर का बताती हूँ. अगर आप रिंग फिंगर इसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं हम रिंग पहनते हैं इस वाले में. अगर हम रिंग फिंगर में प्रेशर देते हैं इस वाले पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देते हैं तो इससे हमारी बोन स्ट्रांग होती है. बोन स्ट्रांग अगर हमारी होगी तो हाइट तभी बढ़ पाएगी. अगर आपकी बोन में प्रॉब्लम्स रहेगी आपके पेन्स रहेगा अगर आपकी आप अंदर से इंटरनली फिट नहीं रहेंगे तो आपकी हाइट कभी इंक्रीज नहीं होगी. अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी हाइट इंक्रीज हो जाए आपकी बोन्स वीक है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 30 के बाद आपको ये कैप्सूल्स खाने चाहिए बोन स्ट्रांग होती है. बोन स्ट्रांग होगी तो ही आप कोई काम कर पाएंगे आप लाइफ में आगे अपनी पूरी लाइफ अच्छी जी पाएंगे. उसी तरीके से अगर आप यहाँ प्रेशर देंगे ना तो आपको वो पिल्स खाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आप स्टार्टिंग से अगर आपकी एज 20 है 21 है कोई भी एज है ना अगर आप हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं साथ में अपनी बॉडी को भी फिट रखना चाहते हैं तो आप इन चीजों पे भी प्रेशर दीजिए. अगर आपको हाइट इंक्रीज नहीं करनी अगर आपकी हाइट ठीक है अगर आप मानते हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए इतनी है तो भी आप अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी बोन स्ट्रांग रखने के लिए भी ये एक्यूप्रेशर आप ये पॉइंट प्रेशर दे सकते हैं. 5 मिनट तक इसको ऐसे ब्लिंक नहीं करना आपको इसको प्रेशर दे के रखना है 5 मिनट तक 3 बारी करना है डेली आपको फॉलो करना है ये ठीक है. और साथ में ही इसके बाद आपका जो थंब है ये वाला जो थंब है आपका लेफ्ट वाला अगर आप हैंड ले रहे हैं तो आप राइट थंब से इसके यहाँ इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे जैसे मेरा ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको प्रेशर देना है 5 मिनट तक देके रखना है. इससे ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डायरेक्टली सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका. इसको 5 मिनट तक आप ये सब चीजें तो आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है. पहला आपको मैंने बताया कि आपका डाइजेशन प्रॉपर इंक्रीज होगा अगर आप फर्स्ट फिंगर प्रेशर देंगे. दूसरा आपको मैंने ये बताया कि अगर आप ये वाला मिडिल फिंगर प्रेशर देंगे तो आपका हार्मोन जो है वो प्रॉपर वर्क करेंगे. और तीसरा जो आपको मैंने बताया इससे आपकी बोन स्ट्रांग रहेगी. और अगर आप थंब में प्रेशर देंगे थंब वाले में अगर आप प्रेशर देते हैं देखे रखते हैं 5 मिनट तक देखे रखना है दोनों हैंड्स में करना है सेम आपको सारे एक्टिव प्रेशर्स तो इससे आपकी हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज होती है. आप बिलीव करिए विश्वास करिए अपनी इच्छा पर और फिर देखिए इसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा. आप मुझे आज तक मुझे बिलीव करते आए तभी पता है मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए. मैं बहुत मेहनत करती हूँ हमेशा सोचती रहती हूँ जब घर हो ऑफिस में हो हमेशा सोचते हैं कि कुछ मैं अपने व्यूअर्स के लिए अपनी फैमिली के लिए आप लोग मेरी फैमिली है तो कुछ ऐसी चीज लेकर आओ जिसको आप जल्दी से करें आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े और 5 या 10 मिनट में आपकी वो चीज कंप्लीट हो जाए. आपको ये भी ना कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा या बैठ के भी कर सके. लेकिन इन पोस्चर को करना कैसे है आपको स्ट्रेट रखना है अपना बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो आपको ये प्रेशर देने हैं पॉइंट्स. या अगर आप बैठ के भी कर सकते हैं बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं तो आपको बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने घुटनों पर हाथ रख के जो ऋषि मुनि हमारा जो प्रॉपर पोस्चर होता है आप उस टाइम में कर सकते हैं प्रेशर दे सकते हैं. क्रॉस लेग करके जो हम बैठते हैं आलती पालती मार के वैसा आप करके अपने हाथ जो घुटनों पर नीज पे रख के इनको आप प्रेशर दे सकते हैं इस तरीके से. लेकिन आपको देना डेली है. आपको मैंने रिपीटेशन बता दी एक्सरसाइज का टाइमिंग बता दिया 5 मिनट साथ में आपको ये डेली 3 बार फॉलो करना है. अगर आप 2 बार कर पा रहे नहीं आपको टाइम मिल रहा तो 2 बार कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डेली फॉलो करिए तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. साथ में इन सब चीजों के ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हाइट का चार्ट लेकर आऊँ जैसे अगर आपकी हाइट 5 है तो आपका वेट कितना होना चाहिए. अगर आपका हाइट चार्ट लेकर आऊँ कि आपका कितना वजन होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग
तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगी उसके ऊपर भी। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा मिलाऊं कि अगर आपकी हाइट कितनी है परफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, अगर आपका ज्यादा तो आपको कितना कम करने की जरूरत है, एग्जैक्ट आपको मैं फिगर बताऊंगी। अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। साथ में इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी उसके बारे में आपको बताती हूँ क्या है इम्पोर्टेंट वो टिप। हमें बाहर का फ्राइड फूड नहीं खाना। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ईशा कुछ लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने फील करे हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि 15 डेज हो गए ईशा मैं कर रहा हूँ, तुमने मुझे बताया था कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन आप अपने डेली रूटीन में, मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि डेली रूटीन में आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपको एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप ऐसी क्या गलत चीज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 3 टाइम के बीच में आप जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप वो फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, थोड़ा सा ही खा रहे हो लेकिन आपकी कैलोरीज आप ऑलरेडी खाने से ले चुके हैं, उसके बाद जो आप ले रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा कैलोरीज है। एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए, मुझे खुद बता दीजिए, वो आपके बॉडी का फैट बन जाएंगी, आप खुद सोचिए वो कहाँ जाएंगी। आपको आपकी कैलोरीज मिल गई जो आपने खाना खाया और उसके बाद आपका फैट बढ़ा देगी। तो ये चीज अवॉइड करिए, ज्यादातर फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, बाहर का फ्राइड फूड जंक फूड अवॉइड करिए। घर में तला हुआ जैसे हम चिप्स खा लेते हैं, मैकीज की चिप्स आते हैं बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करती हूँ, कभी कभी यार बोर हो जाते हैं ना रोज की रोटी खाना सब्जी से तो सोचते हैं कुछ खा ले, लेकिन वो कभी के रेशियो जो है ना वो 1 वीक में एक बार रखिए या 1 मंथ में एक बार रखिए, वो कभी वाली रेशियो डेली मत रखिए, क्योंकि डेली रखेंगे तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी और आपका वेट भी कभी कम नहीं होगा। तो फिर कमेंट करके भी कुछ नहीं मिलने वाला, कोई एक्सरसाइज आपको वैसा नहीं करेंगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो तो अपनी ईशा को याद करिए, मुझसे पूछिए, मुझसे बातें करना मत भूलिए। कुछ भी और जो आपका सजेशंस है, मैं किस बारे में वीडियो लेकर आऊं, आप उसे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक करो यार, भर भर के लाइक करो ताकि मैं मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बहुत सारा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा सपना पूरा हो, मेरे मिलियंस हो जाए व्यूज। मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरे 2 मिलियन व्यूज हो जाए। तो चलिए मैं जल्दी से चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।